गुड मॉर्निंग माई लवली किड्स, वेलकम बैक टू EVS क्लास। किड्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने इस व्हीकल्स पढ़ा था। कौन कौन से व्हीकल्स है याद है किसी को? चलिए रिपीट करते हैं एक बार मैम के साथ। लैंड व्हीकल्स, कार, बस, ट्रेन, रिक्शा, बुलेट कार, बाइसाइकिल, स्कूटर। ठीक है किड्स, अब वॉटर व्हीकल्स, बोट, शिप, स्टीमर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। ठीक है किड्स, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना। अब क्या बचा है? एक्सरसाइज करना, क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है किड्स, चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते किड्स। यही चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। देखिए आपके टेक्स्ट में दिख रहा है ना ऐसा एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम सम व्हीकल्स यू नो। आप कौन कौन से व्हीकल्स जानते हैं, बस उसके नाम लिखना जो व्हीकल्स आप जानते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार, CAR, कार लिख लिया सबने, कॉमा। फिर BUS, बस लिखा किड्स, कार, बस। फिर ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ठीक लिख लिया, CAR कार, BUS बस, TRAIN ट्रेन। नेक्स्ट किड्स, बाइसाइकिल, BICYCLE बाइसाइकिल। ठीक है किड्स, नेक्स्ट टोंगा, TONGA टोंगा। ठीक है, फुल स्टॉप, कार, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल, टोंगा। ठीक है किड्स, चलिए नेक्स्ट, हाउ डू यू गो टू योर स्कूल। किड्स आप अपने स्कूल किससे जाते? कोई बच्चे बस से जाते होंगे, कोई बच्चे बाइक से, कोई कार से। ठीक है किड्स, आप जिस चीज से स्कूल जाते हैं, जो व्हीकल आप यूज करते हैं स्कूल जाने में, बस उसी के नेम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप कार यूज करते हैं तो यहाँ पे कार, अगर बस यूज करते हैं तो बस। ठीक है किड्स, जैसे मैम ने यहाँ पे कार लिख दिया, लेकिन आप जिस चीज से स्कूल जाते हैं आप वो लिखेंगे। ओके किड्स, थर्ड किड्स, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग जिससे यूज करते हैं आप वही लिखिएगा, बाय कार, बाय बस, जिस बाय बाइक, आप जो यूज करते हैं किड्स वो रहेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम सम व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड्स। किड्स ऐसे व्हीकल्स जो रोड में चलते हैं उनको लिखना है हमें। तो चलिए लिखते हैं CAR कार, लिखा किड्स। नेक्स्ट BUS बस, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल। नेक्स्ट स्कूटर, SCOOTER स्कूटर। ठीक है किड्स, लिख लिया, CAR कार, BUS बस, BICYCLE बाइसाइकिल, SCOOTER स्कूटर। नेम सम व्हीकल्स यू नो, कार, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल, टोंगा। हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, किड्स ये तो आपका होमवर्क है। नेम सम व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड्स, कार, बस, बाइसाइकिल, स्कूटर। चलिए किड्स, अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। एरोप्लेन इज यूज्ड टू ट्रैवल बाय, किड्स हम एरोप्लेन का यूज किस में करते हैं ट्रैवल में? एयर, हवा में, एयर, यहां AIR एयर लिख लिया किड्स। चलिए बोट इज यूज टू क्रॉस, किड्स बोट किस में यूज होता है क्रॉस करने के लिए? रिवर्स, लिखिए RIVERS रिवर्स। ठीक है किड्स, लिख लिया, एरोप्लेन इज यूज टू ट्रेवल बाय एयर, बोट इज यूज टू क्रॉस रिवर्स। ठीक है किड्स, सबने लिख लिया। चलिए टेक द करेक्ट ऑप्शन, किड्स यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसे टिक करना है। शिप / स्टीमर इज यूज टू क्रॉस एन ओशियन, किड्स ओशियन को कौन क्रॉस करता है, शिप या स्टीमर? शिप में टिक कर दीजिए, कर दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, टोंगा इज पुल्ड बाय हॉर्स एंड बुलक, कौन खींचता है टोंगा किड्स, हॉर्स या बुलक? हॉर्स, तो हॉर्स में टिक कर दीजिए, हो गया किड्स। और ये देखिए, कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स, यहाँ बस दिया हुआ है, इसमें आपको कलर करना है, तो ये आपका
होमवर्क रहेगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे कलर करिएगा, ठीक है किड्स। तो किड्स आप लोग अपनी टर्म बुक अच्छे से कंप्लीट करके उठिएगा।